हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मतलब कि घर में आप मार्केट जैसी पनीर कैसे बना सकते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने मार्केट से भी अच्छी सॉफ्ट पनीर घर में बनाई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, तो जब भी आप पनीर बनाएं तो यहाँ पे फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें। मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध का यूज़ किया है, इससे करीबन 400 ग्राम पनीर बन जाएगी। तो और यहाँ पे दूध में हम अच्छे से पहले बॉयल आने देंगे। जब तक दूध में यहाँ पे बॉयल आ रही है, तब तक यहाँ पे मैंने 3 चम्मच विनेगर और उसकी डबल इसमें पानी ऐड कर लिया है। तो जितनी आप विनेगर लें उसकी डबल आपको इसमें पानी ऐड करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास विनेगर ना हो तो नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी पनीर बन के तैयार होगी। दूध में भी अच्छे से बॉयल आ चुकी है, तो एक बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे विनेगर वाला मिक्सचर हम धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि जो है दूध है जो है वो हमारी अच्छे से नहीं फट जाती। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू 1 से 2 मिनट चलाएंगे तो यहाँ पे छेना जो है वो अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध जो है वो हमारी अच्छे से फट चुकी है, पानी अलग हो चुकी है छेने से। तो पहले से ही हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बॉल के ऊपर छन्नी रखनी है और उसके ऊपर कॉटन की कोई भी कपड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और पतला कपड़ा होना चाहिए। इसमें हम साड़ी जो छेना वाली पानी है इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, और यहाँ पे ये जो छेने का पानी है इसे आप फेंके नहीं, इसे रोटी बनाते वक्त आप आटे में यूज़ कर सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे इसे क्या करेंगे, अब हम पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो अगर विनेगर का थोड़ा सा भी स्मेल अगर रहेगा इसमें तो वो हट जाएगी और पनीर जो है वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे एक बार पानी से अच्छे से इसे वॉश कर ले। और अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक इस पनीर की अच्छी शेप आए इसके लिए हम इसे एक रबर से बांध देंगे और इसे एक प्लेट के ऊपर हम रख देंगे। आप इसे किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं, मैंने इसे प्लेट के ऊपर रखा है। अब हम इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो ये मैंने रोटी बनाने वाली जो यहाँ पे चकला आती है वो, और ये कूटने वाला जो है इसे मैंने रखा है। कम से कम इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी पनीर बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे 1 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो ये छेने से जो पानी है वो अच्छे से निकल चुकी है और हमारी पनीर भी एकदम तैयार है। और ये पनीर भी जो है वो हमारी अच्छे से बन के तैयार है और बहुत ही यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी पनीर बनके तैयार हुई है। एक बार अगर आप घर में पनीर बना लेंगी तो यकीन मानिए आप मार्केट से पनीर लाना भूल जाएंगी, और ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने इतना सॉफ्ट पनीर घर में बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टेक्स्चर बिल्कुल मार्केट वाले पनीर की जैसी ही है। आई होप मेरे YouTube फैमिली को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे सानवी कुकिंग बेकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर